सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, मैं स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी अपडेट पे। गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं क्योंकि मैंने इतने सालों में ये देखा है। और गाइस प्लीज इन चीजों को जरूर ध्यान से सुनना जो बातें मैं बोल रहा हूं। देखो मैंने इतने सालों में ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे 11th है बिल्कुल ध्यान नहीं देते। उनके दिमाग में ये चलता है, अरे यार तेरा भाई अभी तो इतना सदमा झेल के आ रहा है, 10th का बोर्ड एग्जाम दे के आ रहा है, तो अभी थोड़ी पड़ेगा 12th में पड़ेगा, क्योंकि 12th का परसेंटेज मैटर करता है। और यही गड़बड़ हो जाता है गाइस। देखो आपने 8th में पढ़ाई नहीं किया होगा, 9th में नहीं किया होगा तो भी चलेगा, 10th में लेवल हो जाता है। बट गाइस अगर आपने 11th में पढ़ाई नहीं किया ना, तो यही गड़बड़ स्टार्ट हो जाएगा। भले आपका 9th 10th का बेसिक क्लियर ना हो, बट अगर आपने 11th में स्टार्ट किया ना, तो 11th में सभी चीजें बेसिक से स्टार्ट होती है। जैसे एग्जाम्पल साइंस यूनिट फिजिक्स का देख लो, यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ाया जा रहा है, कॉमर्स में भी बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, आर्ट्स में अगर आप आर्ट्स ले रहे हो तो भी बेसिक से पढ़ाया, सभी चीजें जीरो से स्टार्ट हो रही है। तो अगर अगर आपने स्टार्ट अभी किया, अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो गाइस एकदम सीरियस होकर पढ़ो। इसको इस तरह से कंसीडर मत करो कि 12th में जाके पढ़ूंगा, क्योंकि 11th एंड 12th में बहुत ज्यादा रिलेशन है। अगर 11th जिसने सीरियस होकर नहीं पढ़ा ना, वो आगे जाके बिल्कुल बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएगा, क्योंकि उसको कुछ चीजें समझेगी नहीं, बहुत सारी चीजों में उसको प्रॉब्लम हो जाएगा, और डिफिकल्टी लेवल इस लेवल का रहेगा कि आपका कॉन्फिडेंस गिर चुका रहेगा। तो गाइस कम से कम आप सब चीजें नहीं समझ रहे हो, तो जो चीजें एक वीडियो मैंने स्पेशल वीडियो बनाया कि 11th में कौन से सब्जेक्ट पे, कौन से टॉपिक पे, कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ये चीजों का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ। कम से कम अगर आपने वो टॉपिक को भी समझ लिया ना, आपने दिमाग फिट कर लिया, तो भी आपको 12th में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। बट अगर आप पूरी तरह से बेफिक्र हो, तेरा भाई 12th में पढ़ेगा, जैसे अपने को बस पास होना है और बाकी कुछ नहीं करना, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा, पक्का बोल रहा हूं। क्योंकि देखो आगे जाके अगर आपको कोई ऐसा कोर्स करना है जिस कोर्स में सीईटी जेईई और नीट की जरूरत है, तो गाइस 11th का भी पोर्शन होता है सीईटी और जेईई के अंदर, पहले आपको बता देना चाहता हूं। और आगे कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, 11th 12th का रिलेशन रहता ही है, आपको बताना चाहूंगा ये। तो अगर आप ये दिमाग में लेके चल रहे हो कि तेरा भाई 12th में पढ़ेगा, तो भाई को प्रॉब्लम हो जाएगा, पहले बता रहा हूं, भाई को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो गाइस अभी सीरियस हो जाओ। हाँ आप बोलोगे सर अभी वेकेशन चल रहा है, अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं करूंगा, तो मैं कहां बोल रहा हूं, आप पढ़ो ना, जब से कॉलेज स्टार्ट हो रहा है चलेगा, तब से पढ़ना स्टार्ट करो। पर जब से पढ़ना स्टार्ट करो पूरा सीरियस होके पढ़ो, ये नहीं कि आप पढ़ रहे हो जस्ट टाइम पास के लिए, मतलब बहुत प्रॉब्लम होगा। क्योंकि मैंने इतने सालों से देखा ये बातें, हम हर साल बताते हैं पर कुछ ही बच्चे फोकस करते हैं, मुझे पता है कुछ ही बच्चे फोकस करते हैं, जो फोकस करते हैं उनका सामने वाला चीज ब्लर नहीं होता, और जो नहीं फोकस करते सब चीजें आगे जाके ब्लर ब्लर से दिखाई देती है गाइस। सो मेरे ख्याल से जो चीजें मैंने बताई आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच गाइस, एंड जय हिंद।